हेलो, वेलकम टू एनएफए क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक प्रोडक्ट मैंने मंगाया है प्रगति सिस्टम से। प्रगति सिस्टम एक मेड इन इंडिया ग्वालियर बेस्ड कंपनी है, जो कि बहुत सारी मतलब क्लासरूम रिलेटेड फर्नीचर और क्लासरूम रिलेटेड जो भी मतलब सामान होता है ना क्लासरूम में, जो भी आप यूज़ करते हैं फर्नीचर के अलावा, जैसे आपका वाइट बोर्ड है, टीचिंग एड्स जिसे बोलते हैं स्पेशली, वो प्रोवाइड करती है, वो बनाती है। तो ये जो है प्रगति सिस्टम का एक पोडियम मैंने आज मंगाया है, क्योंकि मेरे क्लासरूम में पोडियम नहीं था। बोर्ड का मैं रिव्यू जो है पहले कर चुका हूँ, इनका बोर्ड भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था, वाइट बोर्ड, उसका पड़ा हुआ है वीडियो। आज हम जो है प्रगति सिस्टम के इस पोडियम को अनबॉक्स करेंगे। इस पर देखिए लिखा भी है बोर्ड बॉक्स पर, प्रगति सिस्टम.com ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ से भी आप जाके ले सकते हैं। पर मैंने इसको अमेज़ोन से मंगाया है, अमेज़ोन पर कुछ डिस्काउंट मिल रहा था। दरअसल इसकी कॉस्ट जो है वो 6,120 रुपये है, पर मैंने अमेज़ोन से मंगाया तो कुछ परसेंट वहाँ डिस्काउंट था, मुझे ये लगभग अराउंड 5,000 के आसपास पड़ा है। और इसका जो मॉडल नंबर है, इसका मॉडल जो है वो PDS-01 करके है, पोडियम PDS-01। एक इसमें PDS-02 भी आता है, जिसकी कॉस्ट अराउंड 10,000 है, तो काफ़ी महंगा था इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। तो मैंने ये मंगाया है, ये अच्छे से पैक होके आया है, ठीक है। तो इसमें ये हाँ, इसका बिल भी दे रखा है, इसके अगर जो आपका टिन प्लेट जो बिल होता है, जो कंप्यूटर जनरेटेड होता है, वो यहाँ पे बिल भी लगा हुआ है। तो आइए इस बॉक्स को मैंने अनबॉक्स करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पहले इसको रखना पड़ेगा, बड़ा बॉक्स है। तो सबसे पहले तो ये इसको मैंने इसे खोल लिया है, ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो आपके सामने आता है वो परफोरेटेड एक स्टील की, परफोरेटेड स्टील ब्लैक मैट कलर्ड परफोरेटेड स्टील का एक पैनल मिलता है। ये पैनल बीच में प्लेस होगा, इसके नीचे कुछ थर्माकोल की शीट हैं, उनको मैं हटाता हूँ और इसके नीचे देखते हैं क्या है। इसके नीचे देखिए ये यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, जिस पर आप बुक या कोई भी सामान रखें, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। पीच कलर का ये एक प्लेटफॉर्म है, जो ऊपर अभी असेंबल जब करेंगे तो इसे वहाँ पे जोड़ना पड़ेगा टॉप पर। ये टॉप है इसका पोडियम का, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी बुक को प्लेस कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से पैक है। और ये इसका जो है मेटालिक, ये मेटालिक आपका बेस है, ठीक है। तो मेटालिक जो बेस है काफ़ी भारी है, और ये पोडियम को स्टेबिलिटी देगा, है ना। स्टेबल जो बनेगा पोडियम वो इसी बेस की वजह से बनेगा। इसके अलावा देखते हैं इसके अंदर बहुत क्या क्या है। ओह, ये दो फ्रेम्स हैं, अच्छा ये दो फ्रेम्स हैं, ये भी ब्लैक मैट ब्लैक कलर के हैं फ्रेम। ये यहाँ पे लगाए जाएंगे बेस के ऊपर, और इसके ऊपर टॉप लगेगा, ये नीचे यहाँ पे बेस आ जाएगा, यहाँ पे टॉप आएगा, बीच में एक फ्रेम लगेगा। तो मैं आपको उसका अभी असेंबल करके दिखा दूँगा, पूरा असेंबल करते हुए आपको दिखाऊंगा कैसे हुआ है, कैसे बनाएंगे। अच्छा, इसमें ये जो फ्रेम है ये एक लेग स्टिफनर्स होते हैं, यहाँ पे ये इन्होंने वेल्ड किया हुआ है, ताकि जब हम खड़े होकर उस पर अपना थोड़ा सा वेट हमारा पोडियम पे भी आ जाता है, तो पोडियम जो है वो वाइब्रेट ना करे और काफ़ी स्टेबल है बोलते वक्त, ठीक है। तो ये इसके पैनल हैं, ये पैनल ये है ना, एक ये है और एक ये है, ठीक है। अच्छा, ये जो पैनल हैं ये क्या बोलना चाहिए इसको, कि ये एक पाउडर कोटेड है, स्टील फ्रेम है और इसके ऊपर पाउडर से कोटिंग है इसकी। तो अब मैं जो है इसको पहले असेंबल कर लेता हूँ, असेंबल करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे किस तरह से दिखेगा, ठीक है, और कितना स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो अब मैं धीरे धीरे इसको पहले खोल लेता हूँ, खोल के फिर असेंबल करते हुए आपको। अब जो है मैंने अनरैप कर लिया है इसको, जो भी हमने पोडियम का जो भी हमारे पास पार्ट आए थे मैं आपको दिखाता हूँ। ये बेस है, ठीक है, और ये बेस है जो मैंने आपको दिखाया था, रैप था उस वक्त, तब मैंने इसे अनरैप कर लिया है। बेस के नीचे जो है ये एक पूरा प्लेटफॉर्म है, ये लगेगा, यानी कि असल में जो होगा ये जो बेस होगा ये दो चीज़ों से मिलकर बना होगा। एक तो ये सबसे नीचे जो इस एक प्लेट होगी, इस प्लेट पे इसको कसा जाएगा, इसके लिए स्क्रूज वगैरह भी दे रखे हैं। इसका ये जो नॉब्स हैं इसको देखिए, आप हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, इसे ऊपर नीचे करके इस पोडियम की हाइट को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है 1 इंच का फ़र्क आ जाएगा लगभग,
एक सवा इंच का फर्क इसे हाइट में आ जाएगा। तो ये क्या करना है, इस पर ये यहाँ पे होल्स दे रखे हैं, इन होल्स को इनके जस्ट नीचे रखना है और यहाँ पे इसको जो स्क्रूज दे रखे हैं उससे बाइंड कर देना है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, एक तो ये बेस मिला, बेस में इसके दो पार्ट थे, इसके जो एक्स्ट्रा स्क्रूज हैं वो ये इसमें हैं पड़े हुए, ठीक है। तो बेस के अलावा हमारी ये जो एक तो ये आपको मालूम था परफोरेटेड शीट थी, मैंने इसे अंदर पफ कर लिया है, इस तरह से दिखेगी। ये जो हमारे हैं बेस के ऊपर, बेस के ऊपर ये इस तरह से लग जाएंगे, बेस के ऊपर ये इस तरह से लग जाएंगे, ठीक है, यानी कि इस तरह से लग जाएंगे। और इसके बीच में जो है इस बेस इसके बीच में ये परफोरेट सॉरी थोड़ा सा स्लिपरी होने की वजह से फिसल गया। तो ये जो है ये इस तरह से दिखेगा लगभग, है ना, ये इस तरह से दिखेगा आपका, इस तरह से ये जब लग के आएगा तो ये कुछ इस तरह से उठ जाएगा और ये बीच में इसकी शीट से लग जाएगी, ठीक है। और ये जो इस तरह से जब ये फिट हो जाएगा और ये जो टॉप है, टॉप यहाँ पे ऊपर इस तरह से रख दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको असेंबल किया जाएगा, असेंबल करने में बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा सा मुझे इसके स्क्रूज वगैरह कसना पड़ेगा, तो मैं आपको फाइनली इसको दिखाऊंगा। पर इसमें एक अच्छी बात है कि हाउ टू असेंबल की एक ये एक शीट है, इसमें कैसे असेंबल करना है, किस किस चीज़ को कहाँ असेंबल करना है। देखिए यहाँ बेस की दो प्लेट्स हैं, इसको नीचे रखना है, इसका जो मेन जो उसकी प्लेट थी, बेस की प्लेट है वो ऊपर आना है, उसके ऊपर ये दो जो फ्रेम की रॉड्स हैं, फ्रेम की रॉड आना है, फ्रेम की रॉड के बाद बीच में एक परफोरेटेड शीट आनी है और शीट के ऊपर ये आपका टॉप आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने अभी आपको पार्ट दिखा दिए हैं। अब मैं इसको असेंबल कर लेता हूँ, असेंबल करके जो फाइनल लुक आता है वो उसको और आपको दिखा दूंगा, इस तरह से ये हमारी अनबॉक्सिंग पूरी हो जाए। हमारा लेक्टर्न जो है यहाँ पे हमने असेंबल कर दिया, आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं, ये असेंबल होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। अब देखिए बेस दिख रहा है, दो साइड फ्रेम है जिसके बीच में एक परफोरेटेड पैनल लगा हुआ है स्टील का और ऊपर एक पीच कलर का टॉप है। तो आपको ये जो दिखाई देगा वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैं इसको सब दूसरी साइड से भी दिखा देता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देगा ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब मैं इसको थोड़ा सा पास में जाके इसका टॉप दिखा देता हूँ आपको, कुछ इस तरह से टॉप दिखेगा। इस टॉप पे आपको बुक रखना है और बुक रखने के बाद आप इसको या फिर कोई भी अपने नोट्स रखने के बाद आप अपने लेक्चर को डिलीवर अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। किसी और वीडियो के साथ अब मैं हाज़िर हूँगा, जब तक के लिए गुड बाय।